ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे राशन की दुकान में केरोसिन मिलने वाला है? सालो पुलिस वालों, मुझे सब पता है कि महर्षि को किसने मारा। भाई ये क्या कह रहे हो, हम तो आपसे सेटिंग करने आए हैं। मैंने ही ठोका है महर्षि को। ये सब कब और कैसे हुआ? और सिर्फ उसे ही नहीं, बबलू शेट्टी को भी उड़ा है, और तेरे साथ भी यही करने वाला हूँ। गई जमीन हाथों से, खत्म कर दो साले को। यहाँ जमीन के साथ साथ जान के भी ला ले। हिम्मत है तुझमें, तू अपनी मनमानी करेगा? किसके कहने पर कर रहा है तू ये सब? कमिश्नर ऑफ पुलिस, समझ गए? I'm Jayant Swamy, ACP Special Branch. ये एक अंडरकवर ऑपरेशन है अल्बर्ट के लिए। आम इंसान को गुंडे तंग करें तो उन्हें भी पुलिस छोड़ती नहीं है। इसने तो पुलिस को मारा है, तो हम इसे जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए मैंने उन सबको बीच सड़क में मारा है। ईमानदार पुलिस वाले को मारकर ये लोग खुद को शेर समझते हैं सर। आज उसी ईमानदार पुलिस वाले के लिए इन्हें खत्म करना उतना ही जरूरी है। आज के बाद इस शहर का हर एक गुंडा, हर एक बदमाश पुलिस से आंख मिलाने से पहले डर के मारे कांप जाएगा, तभी इस वर्दी की इज्जत रहेगी। ये खत्म तो इस शहर का जुर्म भी खत्म। तुझे क्या लगता है मुझे मारने से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी? आगे भी ये चलता रहेगा, ऐसा फिर होगा। अपनी मौत को देखकर हमें डरा रहा है? आज से तेरी कहानी खत्म। चाहे कोई भी सामने आ जाए, उसका अंजाम यही होगा। मत मारो, छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यकीन कीजिए मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। सेल्वम मुझे मत मारो, मत मारो प्लीज। लाल भाई, इस बैग में तो खोखा माल है। लगता है सबकी बुरी तरह से बजी पड़ी है। शहर के सारे बिजनेसमैन को फोन लगा पकिया, अभी बहुत माल आने वाला है। जब तू पुलिस के पास गया तभी तुझे उड़ा देना चाहिए था। तेरी वजह से हमारा खास आदमी भवानी मारा गया। उसको मारने वाले सब इंस्पेक्टर को हमने ऊपर पहुंचा दिया, तो उसकी वजह से पुलिस ने भवानी और उसके सारे आदमियों को मार डाला। इस बार माफी की कोई गुंजाइश नहीं। जिस पुलिस वाले ने भवानी को मारा है वो अब जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैंने ब्रिज क्रॉस कर लिया है, 2 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है मां। यार कल तो तूने पी भी नहीं थी, तो फिर तेरी बीवी ने तुझे क्यों पीटा? क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? हुआ ये कि कल मैं और मेरी बीवी मंदिर गए थे, तभी अचानक एक बंदर ने हमारे सामने से रोड क्रॉस किया। ठीक है। उसे देख के मेरी बीवी बोली, देखो देखो तुम्हारा रिश्तेदार कैसे रोड पर आवारा घूम रहा है। अब ये सुन के मैं क्या चुप बैठता? मेरी खसक गई, मैंने बोला ससुर जी पाए लागू, बस फिर क्या।
अबे तू भी ना, मुंह बंद नहीं रख सकता अपना। अरे अपनी भी तो प्रेस्टीज का सवाल बन चुका था यार। कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे कैसी हो मौसी जी, ये भैंस दिन में कितना लीटर दूध देती है? अरे बेटा ये भैंस नहीं, ये तो गाय है। अरे मौसी जी वो तो मैं भी जानता हूँ, मैं तो दूध निकालने वाले इस भैंसे की बात कर रहा था। इतने प्यार से मेरी तरफ ना देखो, गाय नाराज हो जाएगी। अरे दूध निकालो नहीं तो अंदर चला जाएगा। 12वीं के बाद 5 साल तू हॉस्टल में रहा, उसके बाद के 5 साल ट्रेनिंग और नौकरी की वजह से हमसे दूर रहा। तुझे हमारी परवाह है भी या नहीं? हमें डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, हम कौन सी दवाई खाते हैं, दिन में कितनी बार खानी पड़ती है, तुझे कुछ पता होगा ही नहीं, है ना? आपका बड़ा बेटा है ना इन बातों का ख्याल रखने के लिए। हाँ हाँ, मेरा बड़ा बेटा मेरी आंखों का तारा है। तू तो सिर्फ पैसे भेजता है, पर घर की हर जिम्मेदारी चाहे छोटी हो या बड़ी, ये सेल्वम ही हमेशा उठाता है। माँ आपके बड़े बेटे को लोग सिर्फ यहाँ जानते हैं, कभी मदुरई आकर मेरे बारे में लोगों से पूछिए, वो कहेंगे धन्य है वो माँ जिसने ऐसे संस्कारी बेटे को जन्म दिया। मेरे नाम की माला जपते हैं वहाँ। वाह, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना कोई तुझसे सीखे। माँ जय को कम से कम चैन से खाना तो खाने दो। अरे मेरे लिए जरा दाल लेकर आओ। सुनो तुम मेरी बात मानो, यहीं रहो आराम से एक राजा की तरह। अरे राजा ही तो है, आजकल त्रिची में अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है, आप इतना चौंक क्यों गए? भवानी और उसके 2% के गुंडों ने मदुरई में दहशत फैला के रखी थी, लोगों के नाक कान और सर में दम करके रखा था। फिर क्या हुआ पता है? सीधा एनकाउंटर कर डाला। किसने? ये आपके भाई ने ही तो किया। आप कहाँ रहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो उससे पड़ता है। आपके भाई की वजह से मदुरई के लोग टेंशन फ्री हो गए। मेरे दादा रामस्वामी एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें 4 बार मिनिस्टर बनाया गया था, एकदम ईमानदार और नेक आदमी थे। पुलिस स्टेशन में तुमने मेरा नाम क्यों लिया? इसलिए क्योंकि परम मेरा अच्छा दोस्त है, उसे छुड़ाने के लिए। नाम कमाने में इंसान को सालों लग जाते हैं, पर उसी को मिट्टी में मिलाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आज के बाद मैं अपने मतलब के लिए कभी आपका नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद से मेरे पापा ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखने का फैसला किया। मेरे दादा के गुजर जाने के बाद कई पॉलिटिशियंस ने मेरे पापा को उन्हें सपोर्ट करने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। क्या मैं बाहर वाला हूँ जीजा जी? आपके पिताजी के बाद क्या हम में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा? मुझे माफ करना चिन्ना, मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाऊंगा। वादा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके बेटे सेल्वम। चिन्ना मामा ने मुझसे पूछे बिना मेरे लिए फैसला कर लिया। उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। चिन्ना मामा को जिताने के लिए मैं हर दरवाजे पर वोट मांगने गया। तब मैंने जाना कि लोग मेरे दादा की कितनी इज्जत करते हैं। उस इलेक्शन में मेरी वजह से चिन्ना मामा जीत गए। अगले 4 सालों में उन्होंने दौलत, शोहरत और रुतबा कमाया। ऐसे पैसे और पावर का क्या फायदा? हमारी बिरादरी के लोग सिर्फ रामास्वामी के परिवार को ही पूछते हैं। जो भी हो, अगर वो परिवार आपकी मदद नहीं करता तो आप इलेक्शन नहीं जीतते। रामास्वामी के परिवार को अपनी तरफ करना ही होगा। तुम जाके सेल्वम के दिमाग में पॉलिटिक्स का कीड़ा छोड़ो। इस इलेक्शन में तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए बहा दूंगा। अरे गहरे तुम्हारे दादा का नाम लेके जीत जाते हैं, फिर तुम खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? तुम अगर लड़ना चाहते हो जरूर लड़ो, लेकिन एक बात याद रखना, पॉलिटिक्स में कमाया 1 रुपया भी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। और हाँ, मुझसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। ठीक है पापा। मैं ये सोच के इलेक्शन में खड़ा हुआ कि मिस्त्री सेठ मेरा पूरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उस वक्त मेरे दोस्त लाल ने मेरी मदद की और दिन रात मेरे लिए प्रचार किया। मैंने हर बड़े के पैर छुए, उन्हें इज्जत दी, लेकिन मेरे दादा के नाम के बावजूद चिन्ना मामा के पैसे की ताकत के आगे मैं टिक नहीं पाया। वो भारी मेजोरिटी से जीत गए। सिर्फ नाम के जोर पर कोई जीत नहीं सकता सेल्वम, पैसों की भी जरूरत पड़ती है। ये 1000 का नोट रख लो, ये तुम्हें पैसों की याद दिलाता रहेगा। हारने के कम से ज्यादा हर अहरे कहरे की नसीहत मानो मुझे कांटे की तरह चुभती थी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है सेल्वम। पॉलिटिक्स आसान चीज नहीं होती। तुम्हारी इलेक्शन हारने की वजह से मेरी सहेलियां मुझ पर हंस रही थीं। पॉलिटिक्स आप जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है भैया। सब कह रहे हैं कि तुम्हारी हार एक तरह से रामास्वामी की हार है। अपने खानदान पर कोई कलंक ना लगे, इसीलिए मैंने कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की। पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा करने की चाह ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। मैं हर उस इंसान को नीचा दिखाना चाहता था जिसने मुझे जलीकट्टी सुनाई थी। पॉलिटिक्स में पैसों की अहमियत को मैं जान चुका था, इसीलिए मेरे दोस्त लाल ने मुझे भवानी से मिलवाया। हमने शहर के हर बिजनेसमैन से पैसे मांगने शुरू किए, जो पैसे नहीं देता हम उसका कत्ल कर देते। इलेक्शन लड़ने के लिए हमने बिजनेसमैन से 30 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। उसके बाद मैंने लाल को जानबूझकर चिन्ना से नजदीकियां बढ़ाने को कहा। अब मैं चिन्ना के करप्शन के सारे पैतरे अच्छे से जान गया हूँ। मैंने ठान लिया कि अब मैं मिनिस्टर बन के ही दम लूंगा। सुनिए सुनिए, आपका फोन। हेलो सेल्वम, जिस पुलिस वाले ने भवानी और उसके आदमी को मारा वो और कोई नहीं बल्कि
जानता हूँ मेरा भाई है। अब हम क्या करें? उसे सिर्फ सब इंस्पेक्टर के मर्डर के बारे में पता है। कल वो त्रिची वापस जा रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रखता हूँ। ठीक है। कई दिनों से लापता आरके ज्वेलरी के मालिक और न्यू पॉलिटन क्लब के चेयरमैन रत्नाकर जी की लाश को सुबह हाईवे पर बने ब्रिज के नीचे चटाई में लिपटा हुआ पाया गया। पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। आओ एसीपी जय, हमें लगा भवानी की मौत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा सोचना गलत था। मेरा दोस्त उनका शिकार बन गया। सुनो जय सर, मैं चाहता हूँ तुम इस केस को ऑफिशियली हैंडल करो। यस सर। बताया नहीं तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है? हाँ, सडन अपॉइंटमेंट। ओके ओके ओके, डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बाद में बात करती हूँ। ओके। आवर फर्स्ट मूव, शहर के टॉप बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करनी होगी। ये मीटिंग अरेंज कीजिए। मैं जयंत स्वामी हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस केस को अब मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप लोगों का डर ही उन लोगों की ताकत है। पिछले हफ्ते मिस्टर रत्नाकर के मर्डर के बाद हमने जाना कि भवानी के ऊपर कोई मास्टरमाइंड है। आई एम गेसिंग जल्द ही आप सबको धमकी भरे फोन आएंगे। डरने की जरूरत नहीं, प्लीज इन्फॉर्म मी। पुलिस को बताया था इसलिए रत्नाकर मारा गया। क्या गारंटी है कि हम नहीं मारे जाएंगे? आपको बचाने के लिए हमने अपना एसआई नहीं खोया? आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे जरूरी है, ये बात ध्यान में रखिए। हमारे पास उन्हें पकड़ने का एक ही जरिया है, आप लोग। आपके सपोर्ट के बिना हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। प्लीज कोऑपरेट विद अस। हे सेल्वम, तूने बोला था तेरा भाई हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा, वो तो हमारे पीछे पड़ गया, हम सब फंस जाएंगे। एक काम कर सेल्वम, सबसे पहले उसको ठोक। भाई ऐसा मत कीजिए भाई। ए, तू क्या बक रहा है भाई? एक मामूली एसआई को मारा तो पूरी पुलिस फोर्स हमारे खिलाफ हो गई। सोचो अगर एक एसीपी को मारेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। रिस्क बहुत बड़ा है भाई। सुनिए, आते वक्त चिंटू के लिए केक लेते आइए। फोन दो। हाँ, लो। पापा से बात करो। पापा मेरे लिए केक लाओ ना। बेटा दोपहर को जब मैं घर आऊंगा तो लेते हुए आऊंगा, ठीक है ना? बाय बेटा। मेरी बात सुन सलम। सुन लाल, 6 महीने बाद इलेक्शन है, तब तक बिजनेसमैन से जितना माल वसूल सकते हैं वसूलेंगे। इससे पहले कि मेरे भाई को पता चले हम काम को खत्म कर देंगे।